सबसे पहले अपने अध्यापक भाई और बहनों, इनको सादर प्रणाम। अपने जिलाधीश और सीओ साहब और शिक्षा विभाग जलगांव के माध्यम से हमारे अध्यापक और अध्यापिका के लिए वी प्री स्कूल के माध्यम से जो सुनहरा अवसर हमारे लिए ओपा टीम के माध्यम से यहाँ मिला है, वो बहुत ही अन्य माध्यम से मिला हुआ बहुत ही सुनहरा अवसर है। हम आज कोरोना के विपरीत काल में बहुत ही विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में हमारे बच्चों को अध्ययन की शिक्षा जो मिलनी चाहिए वो खास तौर पर 100% नहीं मिल रही। तो 100% मिलने के लिए ओपा टीम ने जो अपना मकसद बनाया है, जो उद्देश्य लेकर कि शिक्षा घर घर या बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, हर कक्षा का छात्र पढ़ना चाहिए, ऐसे लिए उन्होंने वी स्कूल प्री स्कूल ओपा ऐप निर्माण किया है, जिसके टीम में खास तौर पर राहुल सर, प्रफुल्ल सर, अदिति मैम, श्वेता मैम, प्रियंका मैम आदि इन सज्जनों का उनमें समावेश है। ऐसे अंतर्भाव से, अपने मन से, दिलचस्पी से उन्होंने ओपा टीम के लिए बहुत ही शानदार तरीके से मानविकता से और सटीक के तौर पर तांत्रिक कौशल का साथ लेकर उन्होंने बहुत ही परिणामकारक ऐसा अध्ययन स्रोत हमारे लिए निर्माण किया है। हमारे शिक्षक के लिए, हमारे अध्यापक के लिए सबसे पहले जो ट्रेनिंग हुआ, वो ट्रेनिंग के अंदर हमारे मन में घबराहट निर्माण हुई कि ट्रेनिंग क्या है, ये ट्रेनिंग के अंदर हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हमें तांत्रिकता से हमारा संबंध दूर दूर नहीं था, तांत्रिकता यानी मोबाइल के अंदर या अपने कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर हमें कौन से वीडियो, कौन सा PPT, कौन सा गूगल फॉर्म रहता है, इसके संदर्भ में हमें खास तौर पर विशेष जानकारी नहीं थी। खास तौर इस टीम ने हमारे लिए ओपा के माध्यम से जो प्रशिक्षण के तहत हमें जो ज्ञान दिलाया, जिनका अर्जन हमें दिलाया, उसके लिए हम सबसे पहले उनका सभी अध्यापक अध्यापिका शुक्रगुजार करना चाहते हैं। हम उसे बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं। जो अध्यापक अपने लिए ट्रेनिंग लेने के लिए, प्रशिक्षण लेने के लिए मन में घबराता है, उनके मन में डरावनी से कंडीशन क्रिएट होती है, तो ऐसे अध्यापक को मैं प्रेरणा देना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, सुझाव देना चाहता हूँ, ऐसे माध्यम से जो टीम हमारे उपनय से जलगांव में उनका आगमन हुआ है, ऐसे टीम के साथ रहकर हमारे मन में जो भी क्वेश्चन है, सवाल है, वो सवालों का हम जवाब से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी टीम के अंदर नवचेतना और उनके मन में हमारा मनोबल और भी खंबीर बना के लिए, और भी मजबूत और स्ट्रांग बनाने के लिए उनके मन में उनका बहुत ही ज्ञान हमारे मन में संक्रमित होता है। हमारे प्रशिक्षण अंदर हमें PPT बनाने के लिए, गूगल फॉर्म बनाने के लिए, कोई टेस्ट बनाना हो, कोई वीडियो बनाना हो, कोई ऑडियो बनाना हो, उसे बैकएंड पे लेना हो, उसे क्रिएट करना हो और भी उसके डिजाइन लेकर और भी उसे शानदार बनाना हो, तो उसके लिए टीम और भी मजबूत है और उसके लिए वो बहुत ही कड़ी मेहनत कर रही है। ऐसे ओपा के सभी टीम के सदस्य को, सज्जनों को मैं सबसे यहाँ 100% या धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको सभी को मैं आपका मनोबल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आपको प्रेरणा देता हूँ। मैंने भी अभी ट्रेनिंग लिया है, प्रशिक्षण लिया है, मेरे मन में इसके संदर्भ में जो अज्ञान अनभिज्ञ इसके संकल्पना थी, वो संकल्पना बहुत ही स्पष्ट हुई है। और मैं छात्रों में इनके विपरीत काल में अपने कोरोना के पीरियड में ऑनलाइन और ऑफलाइन इस ट्रेनिंग के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा बच्चों में संक्रमित कर सकूँ, ताकि आप शिक्षा के स्तर पर अपने महाराष्ट्र के, अपने देश के अंदर ये शिक्षा की पृष्ठभूमि पर इसका संक्रमण अच्छी तरीके से हो सके। इन सभी ओपा की टीम को मैं 100% धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।